वो कमेटी वो दी थे टुकड़ा टुकड़ा दिया था वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका खुशामदीद हमारे नए ब्लॉग में। तो पूरे रमजान हमने ब्लॉग नहीं डाले, तो हमने शुरुआत करी। और सबसे पहले आपके लिए मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब गाइस को। और आज से हमारे रोज सारे ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे वापस। ईद मुबारक भैया, ईद मुबारक। मिलते भी पर मिश्र रखना पड़ा था। चल सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं छोटे मिस्टर फैजू खैरियत। अब तो लोग अपनी जिंदगी का मकसद माल कमाना, खूब डटकर खाना, खूब मोहब्बत से नींद सो जाना समझते हैं। और हम हाजिरी की बड़ी डिग्रियां हासिल करना अरे मुझे देखो, उधर देखो क्या मुबारक। ना कब्जे हो गए सब वो ना, इतना बड़ा यहाँ से छेड़ भगवान पूरा कोने तक था। बड़ा खेत था, चल चल के थक जाते, चल चल थक जाते, समय पूरा रहता था अपना, जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रात और दिन यही सोना उठना बैठना खाना पीना। वो मैं नाना ने वो बना रखा था बंदूक, वो तोते भगाने का। अच्छा। उसमें बारूद घुसड़ते और अखबार घुसड़ के और फिर पत्थर रखते एक साथ में, हम ये भटाका फोड़ देते हैं वहाँ पर। तो इस कुएं में नहा करते थे आप? यहाँ से कूद, यहाँ से दिखा दो कुएं, कुएं दिखा दो, इधर आओ कुएं दिखा। यहाँ से कूद के नहा कुआ था, ये तो चढ़क चलती थी, चढ़क तो यही खेलना, रात भर इनके ऊपर चढ़ जाना, उधर चढ़ जाना। और नानी कहती थी नोसावली था देख जो, चमेली बाबा था देख जो, और बच्चा का चढ़ाते क्योंकि सांप बहुत है इसमें। सांप बैठे हुए इतना बड़ा भारी काला नाग आया यहाँ पे इसके यहाँ। और एक बार हसन और वहाँ चले गए खजूर पे, खजूर के बच्चे सांप उसको मार के भगाया, ये पता नीचे आ गया, सांप हमारे पीछे लग गया। सब भगे हसन और मैं और ये बुरा, और ऊपर नहीं उसको पहले ऊपर मार रहा भाटे से भगा दिया, ये नहीं पता ना वो उतर कहाँ गया, हमारे पास खड़ा हो गया तो जीव भागे लपक के। मतलब वो सोच रहा बग चला गया, देखिए वो हट गया हुआ, ये नहीं पता नीचे उतर के हमारे पास में स्वागत करने खड़ा हुआ, जो पीछे ऐसा चला लपक के सबाने बारी पड़ गया, सारे के सारे भागे। मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार सांप देखा था, लाल कलर का सांप था, साला अजगर था लाल कलर का। अब मैंने कहा ये कौन, बाकी डरते नहीं थे उससे, बस तू उधर जा हम इधर जा रहे हैं डरने। सांप ने रास्ता काटा और वो नाली से भी हमने कहा ना कि मतलब बहुत बड़ा सांप है वहां तक, नहीं मतलब पहले पूरा ये हिस्सा नाना का ही था ना, सारा नाना का, आपके नाना का। हाँ फिर उन्होंने ना नानी हमारे पास नाना का मतलब हाँ मांगी उनने के बच्चे हैं कहां, यहां पे आप सोया करते थे, यहां पे रहते थे आप? ये इस कमरे में दो ही कमरे थे अभी बने हुए ना, ये मुंडेर बनी हुई है। हाँ यहां पे दो कमरे थे, एक जगह में हाँ दो कमरे बने हुए थे, एक नहीं सोना उठना रहना भरती थी मेरी नानी, और दूसरे में हम मतलब रहते थे, रोटी वोटी खाते और ये दिन भर गुजारते और चले जाते शाम को। अच्छा 5-6 बजे चली जाती थी मेरी नानी, बाकी अपन तो अपन तो रहते थे जाई, बाकी दान की करती रहती बस, जाने क्या क्या वो रखा। फिर आपके नाना ने कमेटी को दे दी थी वो मस्जिद में, वो कमेटी वो दी थे टुकड़ा, टुकड़ा दिया था वाला पाकिस्तान। हाँ अच्छा, इसमें आधा दिया था दीदार, दीदार का था उसमें टुकड़ी तलाई आधी उसकी थी, दोनों दोनों ने भी पैसा नहीं दिया। ये जमीन तो, ये तो पूरी कब्जे की हुई है, ये तो यूं ही गई है फोकट में, नहीं तो ये बात थी भगवानपुरा कोने तक, भगवानपुरा तक जो आ रही वहां तक जमीन थी पूरी, गेट से उस गेट का प्रसंग गेट दोनों शामिल थे, इधर कब्जा कर लिया लोगों ने, देखा देख ले बहुत जमीन थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो दीवार उड़ गई तलैया के पास से, यही तो कब्जा सारा लिया सब दूर जहाँ से वहाँ तक थे जमा, फसल बहुत आती थी ना, सबसे बड़ी फसल तो कितनी आती थी कि वो दौर था नाना का के सारे मोहल्ले को बिठा के खाना खिलाया करते थे। आ जाओ दरगाह पे चावल कैसा रोड था, यहाँ पैदल नहीं चलते थे, पानी में चलते थे। ये तलई थी ना, मैं कहता हूँ तलई का मतलब क्या होता है,
मातलक जब बाजू खाना बना हुआ ना मातलक रोज बारिश में इतने चलना इतने चलना पड़ता पानी में कितने आप ये कितने साल रहे आपके नाना यहाँ पे नाना को तो पूरा नाना आप जब यहाँ नीमच कब आ गए थे मतलब आपकी पैदाइश नहीं की हुई वहाँ पे हुई थी पैदाइश नहीं की नहीं की पैदाइश जब आप जैसे आपने मतलब होश संभाला आप यहाँ पे आने लग गए नाना ने छोटे और दूसरे हम थोड़े तीनों भाई थोड़े थे वो तीनों भी पढ़ते थे मंसूर वाले में अच्छा वो भी यही रहते थे मंसूर वाले सब यही हो वो अरे को बहुत ढेर सारे पेड़ होंगे बहुत सारे यहाँ अरे ये तो कुछ भी नहीं चार ने पेड़ जो काम करते थे था और ये तोड़ फोड़ करके साफ सफाई कर दी यहाँ पे हिजड़ो की वो कब्र थी जो करके सोना चांदी निकलेगा यहाँ पे कहाँ पे ये पूरा हिस्सा ना इस कोने से दिख रहा एक बहुत डरावना भी और खूबसूरत भी दो चीज डरना वाला नए आदमी के लिए खूबसूरती हमारे जंगल इलाका का डर तो लगते होगा ये मकान थोड़ी देर यहाँ से खुला पड़ा था पूरा सब बाउंड्री वॉल भी नहीं हो गया ना कुछ भी नहीं सिया सिया करता ईद मुबारक बहुत बहुत आपको वाले ना ईद मुबारक ईद मुबारक तो कल ऐसे कल हाथ मिला ला हाथ तो मिला ला कैसे हाथ मिलाता है फिर आगे बेटा डर गया वो आज आज ईद मुबारक बहुत बहुत कहा सुना तो माफ करना बड़े पापा पत्नी करे अस्सलाम वालेकुम और खैरियत ईद मुबारक बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हेलो गाइस ये फेज भाई की दुकान है ये हमारी फेज भाई की दुकान है और हमें पाक है बकरा लेना है बकरा नहीं बकरे का गोश्त बकरे का गोश्त लेना है हाँ सही बात है बकरे का गोश्त लेना अरे खीर बन गई क्या मैं आया हूँ फोन का कितनी देर लगेगी चलो भूख लग रही है यार गाइस फाइनली हमारी घर की खीर बन चुकी है मम्मी ने दी हमको टेस्टिंग के लिए अब हम फटाफट इसमें देखेंगे कैसी बनी है मम्मी खड़ी है रिव्यू मांगने के लिए कैसा टेस्ट है हाँ 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 एक नंबर मजा आ गया एकदम जबरदस्त टेस्ट एकदम जबरदस्त माँ के हाथ की खीर एक नंबर होती है ईद मुबारक आपको बहुत बहुत ईद मुबारक दादी तो बस अब सब पूरा है नमाज पूरी पूरी बस बेहतर है अपनी पूरी है तो अपने वहाँ पे टोंसिल हो गए तो अपन को बोलना था क्या कि इमाम साहब पढ़ा रहे थे तो गला दर्द क्या के लिए कर रहा था जब कुछ बोलना ही नहीं होता चुप खड़ा रहना था वहाँ पे बढ़िया बेटा हट जा नहीं हटेगी नहीं हटेगी क्यों क्यों नहीं हटेगी बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है दिखा दो इधर अदी मैं इधर दिखा दो जुबान तो और ज्यादा प्यारी है हाँ ईद मुबारक ये हमारा दोस्त अजर इसी एक टांग नकली है योगी का एक बहुत बड़ा छोटा ईद मुबारक भाई बहुत बहुत आपको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई क्या हाल चाल खैरियत और ईद कैसी रही आपकी बहुत बढ़िया रही है आपकी ईद बहुत बढ़िया एक नंबर और अपने साहिल भाई
अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी इधर ही, और नमाज वगैरह अल्लाह करम से पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। और हमारे नमाज पढ़ने में जाना तो जामा मस्जिद था, पर हमारे सोनू भाई के कहने पे हम ग्रीन शरीफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो वहाँ पे इंशाल्लाह जमात से नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मस्जिद में वजू बना के खड़ा हो तो उससे पहले तुम्हारा फोन ही आ गया। सही बात है, एसी बंद कर दो वाली, इसमें मजा आ रहे हैं। तो फिर दावत किसकी किसकी तरफ से आज? शोएब भाई की तरफ से खाना आज ग्रीन पे। तू नहीं कटा झंडू, अभी तू कटा का आज। अबे भाई इनकी इनकी बात थी ना, अबे नहीं इनकी बात भी थी खिलाने की, सोनू भाई की। मैंने खिला दिया। सोनू भाई कब खिला? अबे सोनू भाई कब खिला इनको? कब खिला? नहीं तो मैंने भी तेरे को खिला दिया और इसने भी खिला दिया, अब तेरी बारी। उस दिन हमने चलने की बात थी, लेकिन उस दिन तुम चले तो सवाब की नहीं खिला था ना, शेरी के शेरी का और ये वो। अब देख लो यार आपस की बात है। हां भैया अपने को तो क्या है, वो अपने को खिला रहा है। लेट हो गया, चलते हैं नमाज पढ़ लेते हैं ईशा की। तो गाइस हम आपको बताया था पहले कि हम जामा मस्जिद जा रहे थे, बट हमारे सोनू भाई की फरमाइश में हम ग्रीन आ गए, तो अब जा रहे हैं हम नमाज पढ़ने ईशा की। तो मिलते हैं नमाज के बाद। जमात से पढ़े हैं? तू पढ़ा देना, हम पढ़ लेंगे तेरे से पीछे तीनों। और क्या नमाज से पढ़ेंगे और क्या फिर बंद नहीं होगी। ओहो हो माइक क्या गया? अल्लाहु अकबर। سميع الله لمن حمده الله اكبر 2000 years later. So guys अपने ईशा की नमाज पढ़ ली, अब सोच बोल रहे हैं सारे दोस्त कि अब चाय वाय पी लेते हैं, तो जा रहे हैं चाय पीने। बाकी स्पेशल चाहिए ग्रीन स्पेशल काठियावाड़ी, तो हम वो चाय पीने जाएंगे। बहुत सारे चीकू उग रहे हैं पेड़ पर गाइस, बाकी रात का टाइम है और अब बिना जैसे हम तोड़ नहीं सकते, तो बस दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए कितने बड़े बड़े चीकू उग रहे हैं। ये तो गाइस हम नमाज से फारिग हो चुके हैं और चीकू भाई के सरप्राइज में हम चाय के लिए आए। हाँ तो भाई एक बात और बताते जाऊँ कि ग्रीन का सबसे बढ़िया और अच्छा चीज़ ये लगती है मुझे, एक तो यहाँ का पानी बिल्कुल एकदम मिनरल वाटर है ना। बेशक बेशक सबसे जोरदार, तो मैं मतलब स्पेशल पानी पीने के लिए मतलब बाहर का डिज़ाइन बिगाड़ करके और फिर यहाँ पर चाय पीने आते हैं और स्पेशल पानी स्पेशल और मंगाते हैं। ये बैठे बैठे वहाँ पे पंखा चालू कर देते हैं, ये हमने पान खिलाया है। ये पान भाई के सबसे पान पूजा सिर्फ इनसे था ले सकते। नमाज पढ़ ली ईशा की, चाय पी ली है, पान खा लिया है कंप्लीट, अब जा रहे हैं घर। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।